अस्सलाम वालेकुम, वेलकम टू एक यू स्नूकर। और आज हम फिफ्थ मिस्टेक के ऊपर बात करने लगे हैं, जो कॉमन मिस्टेक है और वो बहुत गलती करते हैं, ख़ास तौर पे जब हमने बॉल से कलर्स में या चैप में या कहीं भी जाना होता है तो हमें जल्दी हो जाती है हर चीज़ की कि हमें रिजल्ट भी जल्दी से पता लग जाए और हम शॉट भी जल्दी से खेल लें और अगली पोजिशन में भी जल्दी से चले जाएँ। ये एक बहुत कॉमन मिस्टेक है जिसको आपने जहन में रखना है कि अवॉइड करना है। अब मैं बताता हूँ कि बेसिकली गलती होती क्या है। उससे पहले आप चैनल सब्सक्राइब कर लें, मुझसे वन टू वन ट्रेनिंग लेना चाहें, मैं इस्लामाबाद में होता हूँ, मुझे विजिट कर सकते हैं, मेरे नंबर्स मौजूद हैं, आप उस पर मुझे व्हाट्सएप करें और डिटेल्स लेके मुझे ज्वाइन करें मेरी एक स्नूकर कोचिंग अकेडमी को, या फिर ऑनलाइन कोचिंग सेशन बुक कर लें। किसी भी शहर से आप कर सकते हैं, किसी भी मुल्क से हैं, मुझे अपने मुल्क या अपने शहर में इनवाइट करना चाह रहे हैं अपने क्लब में अपनी टीम को कोच करने के लिए, तो मुझसे रब्ता कर सकते हैं। लेट्स स्टार्ट टुडेज वीडियो जी। और गलती क्या कर रहे हैं अब आप, मैं उसके ऊपर बात करने लगा। गलती ये हो रही है कि आप ये शॉट में गए, जब ये शॉट खेलनी होती है अब उन्हें पता है कि यहाँ पर वन टू थ्री, एक तो ये कि श्योर नहीं होते कि उन्होंने क्या करना है। प्लेयर बेसिक जो जनरल प्लेयर्स होते हैं ना 20-30 की ब्रेक के, वो अंदाजे से कि यार यहाँ आ गया तो मैं कुछ कर लूँगा। प्रोफेशनल्स ये गलती नहीं करते, प्रोफेशनल चले हाई लेवल पे चले जाते हैं, बट इवन सीनियर प्लेयर्स ये गलती नहीं करते, वो स्पेसिफिक जगह पर आते हैं सोच के। अच्छा, फिर ये तो चले पोजिशनल प्ले के हवाले से मैं बात कर रहा हूँ, लेकिन वो गलती शॉर्ट में क्या करते हैं, कॉमन मिस्टेक क्या करते हैं वो बताता हूँ आपको मैं। वो करते ये हैं कि जैसे ही उनके पास ये शॉट का एंगल अच्छा आया हुआ है, सब कुछ ठीक कर लिया उन्होंने, अब हिटिंग के वक्त वो क्या करेंगे, वो ऐसे साथ ही उसके चलना शुरू कर देंगे। अब आधी शॉट उन्होंने देखी और आधी शॉट मैंने खेली, अब आप देखें कि इवन मैंने शॉट खेल दी, ये रेड बंद हो गया, वो रेड मुश्किल हो गया, ये रेड मुश्किल हो गया कि मैं डाल के इसको मिडिल में कट मारूं और फिर डालूं, यानी कि एक सेंसलेस सी शॉट खेल दी सिर्फ जल्दबाजी में कि यार मैं क्या करूँ, या मैंने बॉल डाल देना है, पोजिशन पर आ जाना है और इस तरह से पोजिशन बन जानी है। मेजर मिस्टेक है ये गलती की। यकीन करें कि अगर ये जो मैंने आपको पिछली चार वीडियोस और ये जो मिस्टेक मैंने बताई है आपको, इसके ऊपर आपने अमल कर लिया, आपकी ऑटोमेटिकली गेम जो है ना 5% बढ़ जाएगी। सिर्फ तवज्जो देने वाली बात है, ठीक है। ये देखें, अब इसको सही तरीके से खेलने की कोशिश करते हैं। अब मैं कोशिश करता हूँ कि मेरा बॉल यहाँ से लगे और यहाँ पर यहाँ आ जाए, ताकि मैं इस बॉल को इस पॉकेट में पॉट कर सकूँ या फिर इस बॉल को इस पॉकेट में पॉट कर सकूँ। परफेक्ट। अब ये भी परफेक्ट शॉट आ गई और ये भी परफेक्ट शॉट आ गई, जिसकी मैं आपको समझाना चाह रहा था। अब आपकी देखें ब्रेक कैसे कंटिन्यू हो गई कि आप सिंपली जो है इस रेड को फॉलो करके इजीली आप ब्लैक बना लेंगे, शॉट पूरी खेलेंगे, ब्लैक बन गया, ब्लैक के बाद ये रेड बनाए, ये बनाए, ब्रेक कंटिन्यू है। सो इट्स नॉट दैट डिफ़िकल्ट कि आप किस तरीके से अपनी गेम को बेहतर कर सकते हैं। कॉमन मिस्टेक्स को ख़त्म कर दें, इन पाँचों वीडियो को दोबारा देखें कहाँ पे जल्दी हो रही है, और बहुत सी मिस्टेक्स हैं उसके ऊपर मजीद वीडियोस में बना सकता हूँ, विद द पैसेज ऑफ टाइम मैं बनाऊँगा। लेकिन आपने जहन में रखना है कि आपकी पांच जो मेजर पॉइंट्स हैं वो हैं आपका शॉट में जल्दी जाना, वन मिस्टेक वीडियो वन में था, शॉट में जल्दी खेल लेना, टाइमिंग को ब्रेक करके हिट जल्दी कर देना, सेकेंड कॉमन मिस्टेक जूनियर प्लेयर्स करते हैं, उसके बाद साइड अप्लाई कर देना अननेसेसरी, जब जरूरत नहीं है शॉट में और साइड अप्लाई कर देना, और ये एक जगह नहीं हर जगह पे लड़के कर देते हैं। फिर आपने जब बॉल से पोजीशन पे जाना है तो पोजीशन को सेंसलेस खेल देना और अंदाजे से कि जी यहाँ चला जाएगा, और उसके साथ ही शॉट को रिजल्ट देखने के लिए आप उछलेंगे और यहाँ चले जाएंगे। ये पाँच कॉमन मिस्टेक्स हैं जिनकी वीडियोज आपने प्रीवियसली भी देखी हैं, और इस लास्ट जो मैंने आपको कमेंट किया है ये आपको नेक्स्ट वीडियोस में भी मैं डाल दूंगा, ताकि आपको तमाम वीडियोस के एंड में ये मॉरल मैसेज मिल जाए। सो थैंक यू वेरी मच जी, चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को शेयर करें और कमेंट्स दें कि आप मज़ीद क्या देखना चाह रहे हैं, इसमें मज़ीद क्या एडिशन चाह रहे हैं चैनल में, मैं आपको हेल्प आउट करूँगा। थैंक यू वेरी मच, अल्लाह हाफिज़।